भी प्रॉपर और इम्प्रॉपर फैशन को पहचानने में मुश्किल नहीं होगा। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कोई भी सिटिंग हो रही होती है तो एक चीज बड़ा होता है और एक चीज छोटा होता है, तो उसको प्रॉपर करते हैं, प्रॉपर इसीलिए करते हैं ताकि वो प्रॉपर रह सके, और छोटी वाली चीज को हम ऊपर रखते हैं और बड़ी वाली चीज को नीचे, तो हमारे पास हो जाते हैं प्रॉपर। इसी तरह हम सवाल में आते हैं, सवाल हमारे पास आया है 12/3, तो हमें इसको प्रॉपर में तब्दील करना चाहिए। जैसे पीछे मैंने आपको बताया था कि बड़ी चीज को हम नीचे रख देंगे और छोटी चीज को ऊपर लिख देंगे, इसी तरह हम नंबर में भी इसी तरह करेंगे कि हमारे पास प्रॉपर होना चाहिए। इसके लिए हम 12 को नीचे कर लेंगे बड़े नंबर को और छोटे नंबर को हम ऊपर कर लेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा प्रॉपर। तो आसान इम्प्रॉपर पर हम आते हैं। इम्प्रॉपर का आसान तरीका यही है कि हम इसी सवाल को उल्टा कर लें, इसी सवाल को हम उल्टा कर लेते हमारे पास हो जाएगा इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर करने का आसान तरीका यह है कि हम इसको मिटा देंगे और इम्प्रॉपर फैशन पर आ जाते हैं। तो इम्प्रॉपर फैशन मैंने आपको बताया कि उसी नंबर को हम छोटा उल्टा कर लें, तो उल्टा करने में यह छोटा और यह ऊपर आ गया बड़ा, तो हमारे पास हो जाएगा इम्प्रॉपर, यह हमारे पास हो जाएगा इम्प्रॉपर। इसी तरह हम सवाल पर आते हैं, सवाल पर करते हैं कि इम्प्रॉपर कैसे। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि हम सामान को उल्टा कर लें तो हमारे पास इम्प्रॉपर आ जाएगा, तो इसी तरह आसान तरीका है कि हम नंबर को भी उल्टा कर लें। ऐसे होते करें जैसे हमने 12 नीचे लिखा था और 3 ऊपर लिखा था, तो हमारे पास था प्रॉपर और इम्प्रॉपर। ऐसे हो गया कि हम 12 को ऊपर लिखते और 3 को नीचे लिखते, तो हमारे पास हो जाएगा इम्प्रॉपर। यह तो आसान तरीका प्रॉपर और इम्प्रॉपर फंक्शन को पहचानने में। यह था मेरा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो देखकर पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।